Thank you.
आड़िया जी आशा
Oh.
Yeah.
Thank you.
अपने भावों में छिप जाते, इसलिए उनमें ये शक्ति भी दिया जिसको कहते हैं कौन सी और जात्य लीला, ये सब कुछ उनमें दिया। अंत में रस समुद्र अथाह अनंत और क्या है जिसका आदि अंत और अतल पतल कुछ नहीं, इतना बड़ा भाग और उसका एक बिंदु दिया है, ताजे एक बिंदु तुम्हें चखने के लिए दे रहा हूं। और एक बिंदु का शायद उन्होंने एक लाख भाग का एक भाग अपने स्वामी सुंदु उज्जवल निर्मणि अपने ग्रंथों में दिया और सारा जगत उसमें रघुनाथ जैसे हमारे परम महाप्रभु के कृपा पात्र और स्वरूप के दाम को क्या किया उन्होंने, उनको एक क्लिक करके दे दिया वो विदग्ध माधव या पहले और उसमें डूबने उत्तर आने लगे था नहीं पाए दिन रात रोने हैं। तो फिर एक दे दिया दान के लिए कौमुद अर्पण करके हंसते 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 लोट पोट होने लगे ऐसे व्यक्ति आदि अंत नहीं पाया उस रस का। ये रूप गोस्वामी ऐसे हैं, ऐसे रूप गोस्वामी की महिमा हम क्या करें, इसी में ले दिया है। प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाधि रूपे निजान रूपे ददान रूपे प्रिय स्वरूपे। स्वरूप जी उनके क्या है, महाप्रभु जी के अंग है। महाप्रभु के भावों को स्वरूप दामोदर के अतिरिक्त कोई भी नहीं जानता, एनीवन एक्सेप्ट स्वरूप दामोदर, एनीवन कैन नॉट नो द इंटरनल बोर्ड ऑफ श्रीमद महाप्रभु, दैट इज श्रीमती राधिका। द हार्ट ऑफ महाप्रभु व्हाट इज दिस, महाप्रभु का हृदय क्या है, राधा रानी जी का हृदय है और उसमें महाभाव मोदन मादन चित्र जल्पा और क्या क्या न्याय उसमें भरा पड़ा है। महाप्रभु कक्ष में इसलिए कीर्तन करते हैं, इस भाव में उठ जाते हैं, ये स्वरूप दामोदर के अतिरिक्त नहीं जानते, इसलिए रथ यात्रा के समय में जब वो गा रहे थे जाको मार कोई नहीं समझा, केवल समझ रहा कौन सर्वदाओ। और उस भाव को एक छोटे से बच्चे ने समझ लिया तो महाप्रभु जी उसके पीठ थपथपा करके बोले तुमने कैसे जान लिया, असर्वदाओ उधर जिस पर आपकी कृपा है उसके अतिरिक्त कोई नहीं जान। ऐसे स्वरूप जी जैसे वो ललिता जी हैं, जैसे महाप्रभु उनके राधा जी के प्रिय हैं, ऐसे ही ये रूप गोस्वामी जी कुछ अर्थों में उनसे अधिक है। जिसमें राधा जी के साथ में विहार कर रहे हैं उस समय में ललिता जी भी उनसे पूछेंगी मैं हूं नतालीजा रुक्मंजरी स्पेशल है उनके उनके उनको दोनों का एक पलक पर सुला सकती है, उनका विजन कर सकती है। ललिता जी नहीं आएंगी, ललिता जी को संकोच है, वो क्या है डैश प्राण भी कुलात अभी असंकोचिता, इसलिए मैं कहता रूप गोस्वामी के यहाँ कोई उनको नंगी रहने पर भी राधा जी रूप मंजरी उनको कपड़े लांगे पहना सकती है, उनको अधिकार है, उनका सब श्रृंगार कर सकती है, इसलिए उनका एक विशेष भाव है। इन भावों को हमारे रूप गोस्वामी जी ने स्थापित किया, इसलिए स्वरूप जैसे ये महाप्रभु के प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। दैत स्वरूप, दैत स्वरूप मैंने क्या दैत दत्त आत्मान क्या आत्मानम दत्त, अपने को ही रूप गोस्वामी ने उनको दे दिया है महाप्रभु जी को, और यह अत्यंत दैत यह है महाप्रभु जी। और दोनों में लगाओ, इधर से भी लगाओ, महाप्रभु जी उनके दैत है और वो दैत स्वरूप होने से महाप्रभु जी के अत्यंत ये प्रिय है। प्रेम स्वरूप
प्रेम के रूप है ये रूप गोस्वामी। महाप्रभु के हृदय में जो कुछ प्रेम है, कौन प्रेम? स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव, इसके ये मूर्तिमान विग्रह है, ये प्रेम स्वरूप। और सहजाति, सहज सहज मैंने क्या, सहज जायते, साथ ही साथ में जन्म हुआ, जैसे जीव हुआ उसका स्वरूप भी और उसके जितने भाव भी एक साथ में प्रकट हुआ। एक गुठली में, एक बीज में जो कुछ है वही पेड़ होता है। तो ये मूल स्वरूप में महाप्रभु जी का प्रेम, ये रूप गोस्वामी प्रेम स्वरूप है। और सहजादि रूप, जब महाप्रभु जी आए और अपने को जब प्रकट करना हुआ तो किसको? रूप गोस्वामी। तब वो गए तनाई नाटशाला में और उनको कहा जैसे तुम जल्दी से आ जाओ वृंदावन में, और फिर वृंदावन से तुम आ जाना निराचल में, हम लोग एक साथ बैठ करके प्रेम का आस्वादन करेंगे। और इसीलिए महाप्रभु जी ने उनको प्रेरणा देकर के उन दूत ग्रंथ ललित माधव वेदांत माधव अलग अलग कराया। इनकी इच्छा थी एक ही हो तो अलग अलग कराया, और प्रभु रूप, प्रभु का एक रूप है ये द्वितीय विग्रह स्वरूपीय रूप है। यदि महाप्रभु को देखना है तो रूप गोस्वामी को देखो, उनके भावों को देखो, उनकी दृष्टि से उनका चश्मा लगा करके महाप्रभु को देखो, अन्यथा नहीं होगा। और निजान रूपे प्रदान रूपे रूप गोस्वामी के अंदर में ये सब रस शास्त्र का, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, ये सब का उन्होंने विस्तार किया। ऐसे रूप गोस्वामी को गुरुदेव की जो कथा है उसको श्रवण किया, जिसमें गुरुदेव ने विशेष रूप से प्रभुरेक रूपे इस पदपाद का श्लोक के इस पाद का प्रभुरेक रूपे उसका वर्णन करना प्रारंभ किया। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे सहजाभि रूपे, उसी के अंतर्गत श्रवण किया कि किस प्रकार शिला रूप गोस्वामी पाद राम के लिए ग्राम फिर प्रयाग दोनों स्थानों पर महाप्रभु का संग प्राप्त करके शिक्षा ग्रहण करके, शिक्षा ग्रहण करने का अभिनय दिखला करके वृंदावन में आ गए। और महाप्रभु के जो महाप्रभु का जो मत, महाप्रभु जिस वस्तु को स्थापित करना चाहते हैं उसको लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया। वृंदावन से जब नीलाचल धाम की ओर जगन्नाथपुरी की ओर चले तब मार्ग में सत्यभामापुर में श्री सत्यभामा देवी ने उन्हें स्वप्न दिया और कहा कि द्वारिका और वृंदावन ब्रज इनकी लीलाओं को अलग अलग करके ही रचना करना। फिर जब जगन्नाथपुरी में पहुंच गए तब महाप्रभु ने भी शिला रूप गोस्वामी पाद जी को कहा कि वृंदावन के कृष्ण
एक पग भी वृंदावन से बाहर नहीं रखते। इस प्रकार से इंगित दिया कि कैसे वृंदावन और द्वारिका इनकी लीलाओं को अलग अलग व्यक्त करना है। कल एक प्रश्न बीच में आया था मन में कि शिलारूप गोस्वामी जी को सत्यभामा जी ने स्वप्न दिया और महाप्रभु ने उन्हें आदेश जो किया जगन्नाथपुरी में, उसके विषय में शिला कविराज गोस्वामी जी को कहाँ से पता चला। यदि कहें कि शिला रघुनाथ दास गोस्वामी ने बतलाया, तब फिर शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी को रूप गोस्वामी जी का ये स्वप्न वाला बात और महाप्रभु के वचन का किस प्रकार से पता चला, इसके विषय में शिला महाराज एक वस्तु वर्णन करते थे कि जो वास्तविक रूप में शरणागत होता है उसके समक्ष गुरु का कुछ भी छिपा हुआ नहीं रह पाता, गुरु का कुछ भी छिपा हुआ नहीं रह पाता और गुरु व्यक्त किसी न किसी प्रसंग के आने पर अथवा किसी उपदेश को प्रदान करते समय उस वस्तु को बतला ही देते हैं शरणागत व्यक्ति को। शिला माधवेंद्रपुरी पाद जी का भी उसी प्रकार का देखा जाता है। गोपाल जी के विषय में उन्होंने जो कहा, किसी न किसी को बतलाया तभी तो जगत में प्रकटित हुआ। खीर चोर गोपीनाथ ने तो खीर चोरी करके पुजारी को बतला दिया बीच में, किंतु गोवर्धन में गोपाल देव के साथ में तो इस प्रकार का कोई बीच में मीडिएटर नहीं था, तब भी शिला माधवेंद्रपुरी पाद जी के ऊपर किस प्रकार से गोपाल देव की कृपा हुई, कैसे सेवा के लिए आदेश प्राप्त हुआ, दूध कैसे गोपाल ने ला कर के दिया, कैसे वो उस समय बहुत धीमे स्वर में हरि नाम बैठ कर के कर रहे थे, वो गोविंद कुंड के पास में थे, ये सारा का सारा जो वृतांत उन्होंने अपने शरणागत भक्त के समक्ष भगवान की जो महिमा उसको वर्णन करते हुए बतला दिया। और शिला महाराज जी एक बात इसके साथ में बोलते थे कि आदेश हुआ गोपाल देव का तभी उन्होंने सेवा को प्रकटित किया। शिला रूप गोस्वामी जी को आदेश हुआ इसीलिए उन्होंने क्या किया, दो भागों में ग्रंथ को विभाजित कर दिया। उससे पूर्व जो आदेश था सद ग्रंथ प्रकटन रस शास्त्रों का प्रकटन, उस आदेश को जब इन्होंने शिला रूप गोस्वामी पाद ने अपनी अटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ में, शिला महाराज जी बोलते थे निर्विलीक होकर के, अर्थात अन्य अभिलाषिता शून्य होकर के
जब उन्होंने महाप्रभु के आदेशानुसार अपना पूर्ण एनर्जी जब उसमें लगा दिया, स्वसुख का कामना, स्वा नाम पूजा प्रतिष्ठा किसी भी प्रकार की कामना से रहित हो करके जब उन्होंने महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए सेवा कार्य प्रारंभ किया, तब फिर महाप्रभु ने ही स्वयं कृपा करके उनका वो कार्य सेवा कार्य और अधिक सुष्ठु रूप में कैसे हो सकता है उसका निर्देश प्रदान स्वयं ही किया। इसीलिए एक तो विचार हो गया कि शिला रूप गोस्वामी जी ने शरणागत व्यक्ति के समक्ष इस उपदेश को प्रदान करते हुए कि यदि आप गुरु वर्गों के आप उपदेशानुसार सेवा कार्य करते हैं निर्विलीक हो करके, यदि उसमें किसी और प्रकार का कुछ करना होगा तब फिर निर्देश प्राप्त होगा ही होगा, पुनः निर्देश प्राप्त होगा ही होगा। इस प्रकार का विचार। और दूसरा, श्रीला महाराज जी बोलते थे कि जो वास्तविक रूप में ग्रंथ का रचयिता अथवा टीकाकार जो रियल सेंस में होते हैं उनके लिए एक शब्द व्यवहार होता है कि वो कौन है, त्रिकालज्ञ। वो त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, देख पाने वाले। जैसे वाल्मीकि जी, उन्होंने पूर्ण रामायण को लिख करके रख दिया भगवान की लीला होने से भी पूर्व में। किस प्रकार से लिख दिया, क्योंकि वो कौन है, त्रिकालज्ञ। उनका प्रवेश है प्रत्येक वस्तु में, जो विषय है उसकी उसके प्रत्येक पहलू को वो जानते हैं। कुछ भी सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी उनके समक्ष वो हिडन नहीं रह सकती, नहीं रहती। उनके लिए जो टाइम और स्पेस का बार इस जगत में जो रहता है, उनका जो स्थिति उसके कारण उनके ऊपर इस जगत का टाइम और बार, टाइम और स्पेस का जो बार है वो नहीं रहता। टाइम और स्पेस का बार उनके लिए नहीं रहता। टीकाकार के लिए बोलते थे कि टीकाकार कौन हो सकता है, भगवद गीता के टीकाकार जिनका योग्यता है कृष्ण और अर्जुन जिस विषय का वार्तालाप कर रहे हैं उसमें पूर्ण प्रवेश, उसके साथ में स्वयं का वहाँ पर साक्षात रूप में उपस्थिति,
तीसरा उसको व्यक्त करने का पहला है, वो विषय के प्रत्येक पहलू को जानते हैं। दूसरा हो गया साक्षात रूप में वहाँ पर उपस्थित हैं। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा है व्यक्त करने में सुनिपुण। तभी ये क्या होते हैं, इस सेवा कार्य को टीकाकार वाले, कमेंट्री लिखने वाले सेवा कार्य के साथ में पूर्ण रूप में न्याय कर पाते हैं, पूर्ण रूप में न्याय कर पाते हैं। तो इसी प्रकार से शिला कवि राजगोस्वामी एक तो हो गया कि शरणागत भक्त के माध्यम से, रघुनाथ दास गोस्वामी हो अथवा अन्य किसी वैष्णव से, अथवा साक्षात रूप में हो सकता जे अपनी त्रिकालज्ञता के कारण उसको उन्होंने समझ लिया, ग्रहण कर लिया, उसको लिपिबद्ध कर दिया। उनकी रचना में किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं है, इसके विषय में स्वयं श्रीमती राधिका ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को बतला दिया कि जो कविराज गोस्वामी की लेखनी कैसी वाली है, कविराज गोस्वामी की लेखनी निर्भूल, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भूल हो नहीं सकता। दूसरा बता दिया नरोत्तम दास ठाकुर के जो वचन हैं वो कैसे हैं, श्रुतिमत प्रमाण्यमेवा, वेदों की भांति प्रमाणिक, निर्भूल, अनचैलेंजेबल, यूनिवर्सल, अनचेंजेबल। ये किसने बोल दिया, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नरोत्तम दास ठाकुर के वचनों के विषय में। और वही नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, कृष्णदास कविराज रसेर भंडारी, यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। कविराज गोस्वामी ने हेम कुंड अर्थात कृष्णदास कविराज रसेर भंडारी, वो रस के भंडारी हैं। यतने राखिला कृष्ण प्रेम, उन्होंने कृष्ण प्रेम को यत्न पूर्वक भर के रख दिया, किसमें, हेम कुंड, स्वर्ण के बने हुए एक कुंड में। वो स्वर्ण का कुंड क्या है, श्री चैतन्य चरितामृत, उसी के भीतर में ही शिला रूप गोस्वामी जी के ये सब विचार। तो इसीलिए वो सर्वज्ञ हैं, इसे सब जान लेते हैं, अथवा शरणागत व्यक्ति को शिला रूप गोस्वामी पाद जी ने अपना सर्वस्व खोल करके बतला दिया। इसीलिए सत्यभामा जी की बात अथवा महाप्रभु का उपदेश ये सब उसमें वर्णन आ गया ग्रंथ में। किंतु इसके साथ में शिला महाराज एक बात अवश्य ही किंतु बोलते थे प्रभुपाद जी की, माधवेंद्र पुरी भाव घरे चूरी, कभू ना करीला सदाई जानाबो। कविराज गोस्वामी की जो लेखनी वो किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं थी, अपने मन की बात को बोलने के लिए केवल नहीं थी, मन गड़ंत बनाई हुई बात नहीं थी, मन के द्वारा गढ़ी गई, उस प्रकार का नहीं था। इसलिए उन्होंने एक स्थान पर बोल दिया इस बात को, यदि है आवेश तबे ताते है प्रवेश,
सहज वस्तु ना जाए वर्णन। यदि किसी का किसी वस्तु में आविष्टता हो जाता है, कौन से वाली आविष्टता? जागतिक आविष्टता, जड़ीय आविष्टता, तब उसमें क्या होता है? जड़ीय आविष्टता के कारण वो सहज वस्तु को वर्णन नहीं कर पाता, भूल वस्तु को वर्णन करता है। भले किसी का जड़ीय आविष्टता यदि कृष्ण के प्रति भी हो जाए, उसमें वो उनके विषय में भी जो अनुमान लगाते हुए बोलता है उसमें भी भूल होती है, उसमें भी भूल होती है। किंतु कविराज गोस्वामी ने वर्णन कर दिया कि मेरी लेखनी को उस प्रकार का समझना नहीं, मैं सहज वस्तु को सहज रूप में ही वर्णन करने में समर्थ हूं। कारण कि मैं इस भूमिका में रह करके, जो जगत की भूमिका, उसके भीतर में बद्ध होकर के ये कार्य करने में प्रवृत्त नहीं हुआ हूं। इस प्रकार का। किंतु कोई कोई महाराज जी कहते थे ऐसे लोग जो क्या करते हैं, जड़िए प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य से झूठ मूठ में भी बोलते हैं, मेरे को ये वाला स्वप्न आया, मेरे को ये वाला आदेश हुआ था, मेरे को वो प्रेरणा प्राप्त हुई। प्रेरणा प्राप्त होना, स्वप्न आना, ये सारा कुछ होना बहुत से लोगों के लिए बच्चों का खेल होता है। कुछ भी बोल देना, कुछ भी समझ लेना, किंतु उससे ना तो अपना मंगल होता ना किसी अन्य का मंगल होता है। इसको कहते हैं भाव घरे चूरी, अर्थात जो इतनी उन्नत वस्तु उसमें चोरी करने का निरर्थक प्रयास, अपने ही अमंगल को वर्ण करना, अपने हाथ पैर तोड़वा बैठना, अपना ही हानि करवा बैठना। तो इसलिए महाराज जी कहते थे भजन राज्य के प्रारंभ से ही क्या करना, इस प्रकार का भावना कभी नहीं रखना, चीप एडोरेशन, उसके लिए कोई प्रयास उसी की उसकी ओर जाना नहीं। क्यों? क्योंकि वो अमंगल का पथ है। माधवेंद्रपुरी भाव घरे चोरी कबू ना करीला, सदाई जाना हो। माधवेंद्रपुरी पाद जी ने अपने शरणागत आश्रित को, अथवा शिला रूप गोस्वामी पाद ने अपने शरणागत किसी भक्त को जो बात बतलाई, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जागतिक मल नहीं था। उनके द्वारा उनके हृदय में किसी जड़िए प्रतिष्ठा इत्यादि की कामना को रख करके वास्तविक सत्य को तोड़ मोड़ करके बताना या फिर उसमें कुछ मिलाना, ये सब उनकी वाणी में कुछ भी नहीं था। इस प्रकार का आदर्श लेना, इसका नाम होता है अनुशीलन करना, अनुसरण करना। माधवेंद्रपुरी भाव घरे चूरी कभू ना करीला, सदाई जाना हो। ये हृदय में सदैव जान करके रखना कि ये जो भगवत प्रेमी जन सुखदेव गोस्वामी, माधवेंद्रपुरी पाद, शिला रूप गोस्वामी इत्यादि किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तु की कामना से कोई भी इस प्रकार का वचन अपने मुख से नहीं कहते।
अभी हमने फिर से श्रवण आज श्रवण जो किया उसमें गुरुदेव बता रहे हैं प्रभुरेक रूपे, प्रभुरेक रूपे, इसका अर्थ क्या है? प्रभु अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके साथ में शिला रूप गोस्वामी पाद, वो दोनों क्या हैं? एक ही हैं। प्रभुरेक रूपे वो महाप्रभु का ही द्वितीय अत्यधिक स्पष्ट स्वरूप है, परिस्फुटित स्वरूप है महाप्रभु का, विकसित स्वरूप है, सुगंधित स्वरूप है उनका, उनका सर्वोच्च स्वरूप है, उनका वास्तविक स्वरूप है। इन समस्त भावनाओं को लेकर के इस शब्द का जो गठन है, रचना है, वो हुआ है प्रभुरेक रूपे। इसलिए श्रील गुरुदेव ने कहा कि महाप्रभु को यदि देखना है वास्तविक रूप में, महाप्रभु को दिखलाया बहुत सारे भक्तों ने, जिस जिस रूप में उन्होंने देखा उस रूप में उन्होंने महाप्रभु को दिखलाया, अथवा महाप्रभु ने कृपा करके अपने आप को जिसके समक्ष जितना प्रकाशित किया वो उतना देख पाया और उसने उनका उतना ही वर्णन किया। किंतु शिला रूप गोस्वामी जी के समक्ष उन्होंने अपने आप को जिस प्रकार से शत प्रतिशत प्रकटित किया, प्रकाशित किया, उसी को शिला रूप गोस्वामी पाद जी ने क्या किया? संपूर्ण रूप में धारण किया, उसी का अनुसरण किया, उसी का अनुशीलन किया, उसी का सेवा किया और स्वयं ही संपूर्ण रूप में उनसे अभिन्न हो गए। उनके मन की भावना को पूर्ण रूप में ग्रहण करके इन्होंने स्थापित कर दिया पूर्ण व्यक्तित्व को उनके। इसलिए प्रभुरेक रूपे महाप्रभु के ही स्पष्ट स्वरूप। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि यदि श्री चैतन्य महाप्रभु को जैसे वो हैं पूर्ण रूप में वैसा यदि देखने का कामना, तब देखना पड़ेगा शिला रूप गोस्वामी जी के नेत्रों से, शिला रूप गोस्वामी जी के शिला रूप गोस्वामी जी के चश्मे से, गुरुदेव ने कहा। उनके चश्मे से कहने का अर्थ क्या? कि शिला रूप गोस्वामी जी के चश्मे से देखना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? कि मेरे वाला जो चश्मा है वो धुंधला है, मैं महाप्रभु को देख नहीं सकता, चश्मा ही नहीं है। और फिर दूसरों का जो चश्मा है, अर्थात दूसरों ने जिस दृष्टिकोण से जितना स्पष्ट उनको देखा है, उसमें भी महाप्रभु का पूर्ण व्यक्तित्व प्रकटित नहीं है। शिला रूप गोस्वामी जी के चश्मे से अर्थात उनकी दिव्य दृष्टि से, उनकी प्रेममयी दृष्टि से, उनके द्वारा, उनके निष्कपट आश्रितों के द्वारा, इसी का नाम गुरु परंपरा। जैसा कि परम गुरुदेव कहते हैं कि यदि मेरे को, मैंने कुछ देखा है ठीक ठीक रूप में देखा है, तो वो किससे देखा है? प्रभुपाद जी के चश्मे से। प्रभुपाद जी के चश्मे से मैं पूर्व पूर्व गुरु वर्गों के समस्त विचारों को, शिला रूप गोस्वामी भी उन्हीं के चश्मे से मेरे समक्ष प्रकटित हैं।
यदि उनके वाला चश्मा छोड़ करके मैं अपने किसी भी प्रकार के विचार के द्वारा पूर्व गुरुवर्ग को देखने जाऊंगा तो मैं वंचित ही होऊंगा। इस प्रकार से तो इसलिए प्रभु रेक रूपे द्वित्ते महाप्रभु कहने पर भी कोई असुविधा नहीं होगी, इस प्रकार का भावना गुरुदेव ने व्यक्त किया। द्वित्ते स्वरूप, द्वित्ते स्वरूप अर्थात उनसे अभिन्न, उनके पूर्ण विकसित पुष्पित पल्लवित सुशोभित सुगंधित उनके स्वरूप, उनका नाम है श्री रूप गोस्वामी। इसको फिर से श्रवण करो फिर आगे देखो। महाप्रभु के द्वित्ते विग्रह स्वरूप, द्वित्ते विग्रह स्वरूप, विग्रह रख लगा दिया बीच में विशेष रूप में, द्वित्ते विग्रह स्वरूप। विग्रह क्या होता है? जो विशेष रूप से ग्रहण करते हैं। शिला रूप गोस्वामी जी ग्रहण करते हैं, महाप्रभु तक पहुंचा देते हैं, गुरुवर्ग ग्रहण करते हैं और महाप्रभु तक पहुंचा देते हैं। प्रत्येक हमारी वस्तु को, हमारी श्रद्धा, हमारी भावना, हमारी सिंसियरिटी, हमारे द्वारा उनके हृदय में की जाने वाली प्रार्थना, उनके लिए जो सब कुछ है वो जो वहां तक पहुंचा देता है। इसलिए द्वित्ते विग्रह स्वरूप। और फिर गुरुदेव ने कहा महाप्रभु को देखना है तो रूप को देखो, महाप्रभु को यदि देखना है तो शिला रूप गोस्वामी को देखो, तभी महाप्रभु को देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते। इसलिए बीच में एक बात स्मरण आ रही थी जिसके विषय में शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज ने बोला, अपना और अपने किसी गुरु भ्राता का कुछ विचार करके उन्होंने कहा अपने गुरु भ्राता को ही कि तुम्हार चेना भक्ति प्रज्ञान और आमार चेना भक्ति प्रज्ञान होटा एक नाई। तुमने जिस प्रकार से शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को पहचाना है, पहचानते हो, तुम जिस प्रकार से उनको पहचानते हो या पहचाना है, तुम्हारे द्वारा उनको पहचानना और मेरे द्वारा उनको पहचानना एक नहीं है। किस लिए? उन्होंने अपना स्वरूप मेरे समक्ष जो प्रकाशित किया है और जो तुम्हारे समक्ष प्रकाशित किया है वो एक नहीं है, एक नहीं है। गुरु भी इसी प्रकार से भगवान की भांति अपने आप को
सबके समक्ष पूर्ण रूप में प्रकटित नहीं करते। शरणागत की शरणागति के अनुरूप, उसकी योग्यता के अनुरूप ही अपने आप को प्रकटित करते हैं। इसलिए उसमें अंतर आ जाता है। तो महाप्रभु पूर्ण रूप में जहाँ पर प्रकटित प्रकाशित हुए, उनका जो संपूर्ण रूप में वो किसके समक्ष हैं? शिला रूप गोस्वामी के समक्ष। इसलिए कह रहे हैं यदि महाप्रभु को देखना है तो रूप को देखो। इसी प्रकार से यदि शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को देखना है तो कैसे देखो, इसी बात को समझने का है कि शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी जिस प्रकार से उनको देख रहे हैं, जिस प्रकार से उनको व्यक्त कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनको ग्रहण किया है, वो देखने से परम गुरुदेव को सठीक देखना होगा, सठीक देखना होगा, नहीं तो देखना होगा नहीं। क्यों? किसी किसी ने परम गुरुदेव को देखा कि बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा करने वाले, ये भी किसी ने देखा। किसी किसी ने क्या देखा है, सब समय केवल मात्र कोर्ट केस कोर्ट केस कोर्ट केस, जमीन जायदाद कोर्ट केस, इस रूप में भी देखा है। किसी किसी ने क्या देखा है कि बहुत पतला दुबला व्यक्ति है, एक बार देखा दो बार देखा उसके बाद में कभी भेंट ही नहीं हुई, तो उनका भी देखना तो देखना हुआ ही है। हाँ हाँ हम उनसे मिले हुए हैं, देखा था बहुत दुबले पतले, ये भी देखना है। किसी ने क्या देखा कि नरहरि सेवा विग्रह प्रभु के साथ में इनका बड़ा मित्रता है। किसी किसी ने देखा कि ये अनंत वासुदेव सुंदरानंद विद्या विनोद के घोर शत्रु हैं, ये भी देखा दूसरे पक्ष वालों ने, बाग बाजार घोड़िया मठ वालों ने, सब ने यही देखा कि ये उनके बड़े शत्रु हैं, एकदम से विरोधी, बहुत विरोधी, घोर विरोधी है, ये भी उन्होंने देखा। तो वो जिस चश्मे से देखते हैं बाग बाजार घोड़िया मठ के अभी के अनुगत जन, अधिकांश कह सकते एक्सेप्शनल सब समय रहता है, वो किस रूप में देखते हैं कि हमारे ये विरोधी हैं, इनका कोई महात्म्य नहीं, इनका कोई गुण नहीं, जो कुछ होगा वो दूसरे लोग बोलते रहते हैं, ये हैं कैसे, घोर विरोध हमारे यहाँ के। उन्होंने भी दर्शन किया है, तो इसे दर्शन बहुत प्रकार के, किंतु जो शरणागत का दर्शन वो बिल्कुल अलग होता है। कृष्ण के विषय में भी अनेकों के अनेक दर्शन हैं। कोई कहते हैं राजनेता हैं बहुत बड़े, कोई कहते हैं इनसे बड़ा योगी कोई नहीं हो सकता, कोई कहते हैं इतना अच्छा उपदेशक कोई हो सकता है, कोई क्या कहते हैं बहुत बड़े योद्धा, कोई कहता है रणछोड़ है, कोई कहते हैं बड़े प्रेमिक, और कोई क्या कहता है प्रेम का कुछ नहीं जानता, जिन्होंने इनको सर्वस्व दे दिया उन्हीं को सारा जीवन रुलाया, ये भी तो दर्शन है। इसे दर्शन बहुत प्रकार के, किंतु वो दर्शन शुद्ध है पवित्र है निर्मल है या नहीं है, इसका विचार होता है। दर्शन तो बहुत हो, एक व्यक्ति के लिए एक स्त्री है डायन, और दूसरे अपने बच्चे के लिए वो क्या है, बहुत स्नेहमयी शेरनी, सारे जंगल के पशुओं के लिए बहुत भयानक, किंतु अपने बच्चे के लिए रक्षा करने वाली वही, सबसे अधिक स्नेह करने वाली वही, बिल्कुल नाराज नहीं होने वाली, इसके पेट के ऊपर मैं कूदता हूँ तब भी कुछ नहीं कहती, कितना प्यार करती है, सब समय मेरी रक्षा के लिए रहती है, उसका दर्शन अलग, और जो जंगल के सारे और प्राणी हैं उनका दर्शन अलग। किसका दर्शन ठीक है, किसका दर्शन निरपेक्ष है, जिसका जो दर्शन करता है उसका अपना स्थिति के ऊपर भी निर्भर करता है। वो यदि जंगल का कोई और प्राणी है तो वो देखेगा ये काल स्वरूप है, और
यदि उसी शेरनी का बालक होगा तो देखेंगे इससे बड़ा रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए अपनी भी जो स्थिति है उनका एक दर्शन और अपनी स्थिति, जहाँ पर दोनों जाकर के बहुत सौ ठीक मिले वहाँ पर क्या है महाप्रभु और रूप गोस्वामी, उनका जो दर्शन उन्होंने जो प्रकाशित किया, इन्होंने जो दर्शन किया, इसीलिए उनको क्या कह रहे हैं प्रभु रेक रूपे। इसे उनके चश्मे से देखना पड़ेगा यदि महाप्रभु को देखना है तो, और किसी भी चश्मे से देखने पर विकृत भी हो सकता है और अस्पष्ट भी हो सकता है, बहुत कम वाला भी हो सकता है और अधिक अधिक बढ़ता भी जा सकता है, किंतु पूर्ण रूप में यदि महाप्रभु का दर्शन तो वो कहाँ पर है शिला रूप गोस्वामी जी के चश्मे से देखने पर। इसलिए कह रहे हैं कि यदि श्री चैतन्य महाप्रभु को देखना है तब किसको देखना पड़ेगा, किस कैसे देखना पड़ेगा, तो श्री रूप को देखो। श्री रूप को देखने से महाप्रभु को पूर्ण देखना हो जाएगा, इस प्रकार का उसके भीतर में भावना। और आगे बतला चश्मा लगा करके महाप्रभु को देखो अन्यथा नहीं होगा। निजान रूपे ततान रूपे रूप गोस्वामी के अंदर में ये सब रस शास्त्र का कृष्ण तत्व राधा तत्व प्रेम तत्व रस तत्व ये सब का उन्होंने विस्तार किया। ऐसे रूप गोस्वामी को कोटि कोटि बार हमारा नमस्कार है। हम गुरुदेव ने कौन सा शब्द लिया तत्तान रूपे का अर्थ क्या है, तद वस्तु भगवान अनुरूप उन्हीं के अनुरूप तत्तान रूपे उनके अनुरूप अर्थात उनके मन की भावना के अनुसार अथवा तत्तान रूपे जैसा वो स्वयं सब कुछ कर सकते थे, करने में परम समर्थ हैं, भगवान का नाम सर्वशक्तिमान, उसी प्रकार से तत्तान रूपे उन्हीं की भांति ही पूर्ण रूप में वही का वही कार्य करके देने वाले जिसमें कोई भी अंतर आता नहीं है। जैसे इसके लिए शिला महाराज एक उदाहरण देते थे कि एक समय शिला प्रभुपाद वो यात्रा करके आए कलकत्ता में, आने में देरी हुई, उनके सेवक उनके साथ में थे, आकर के उन्होंने प्रभुपाद जी स्नान इत्यादि करेंगे और उन्होंने रसोई इत्यादि बनानी है, जानते हैं कि आज देरी होएगी प्रभुपाद जी को प्रसाद देने में, किंतु शिला प्रभुपाद जी के आने से पूर्व ही देख करके कि देरी हो रही है, इसीलिए श्री कृष्ण केशव ब्रह्मचारी जो कि कुछ समय तक पहले रसोई बनाने वाले भक्त के साथ में केवल उनको रसोई बनाते हुए देखते थे और उनके कहने पर सब्जी को धो देना, रसोई को धो देना, बर्तन इत्यादि धो देना, यही सेवा करते थे, किंतु कभी अपने हाथ से रसोई बनाई नहीं थी। उस दिन सब्जी तो उन्होंने ला करके रखी, धो करके भी रख दी, समय पर अमनिया भी कर दिया, किंतु बनाया नहीं। किस लिए कि मेरे बनाने में ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, इसलिए सेवक आएंगे जितना शीघ्र होगा वो बना करके दे देंगे, सारा वैसा व्यवस्था कर दिया, किंतु देरी देख करके उन्होंने स्वयं ही बनाना प्रारंभ कर दिया और शिला प्रभुपाद जी के आने तक सब कुछ पूरी तरह से बन चुका था।
श्रील प्रभुपाद जी ने स्नान करने में 5 मिनट लगाए और सेवक ने उनके समक्ष जो प्रसाद है वो ला करके रख दिया। प्रभुपाद जी ने प्रसाद तो पा लिया पूरा। पाने पर तब पूछा कि इतना जल्दी तुमने आज कैसे ये सब व्यवस्था कर ली? तब उन्होंने कहा कि आपके आज जो प्रसाद वो मैंने बनाया नहीं, किसने बनाया? कृष्ण केशव ब्रह्मचारी ने। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बात बोली कि मुझे तो रत्ती भर भी तुम्हारे हाथ और उनके हाथ से बने हुए प्रसाद में अंतर तो लगा नहीं बिल्कुल भी कि किसी और ने बनाया है। नित्य प्रति जैसे तुम बना करके खिलाते हो वैसे वाला ही लगा। तो इसका नाम होता है एक अनुरूप, जैसा बनता था बिल्कुल वैसा बना। जिन्होंने ग्रहण किया उनको ये पता भी नहीं चला कि ये एक हाथ ने बनाया था और ये दूसरे हाथ वाले ने बनाया है, उनको नहीं पता चला। इसीलिए प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया, जाओ कृष्ण केशव ब्रह्मचारी को बुला करके लाओ। तो उनसे पूछा कि इनसे रसोई बनाना सीखा था? तो कहते ना मैंने तो सीखा नहीं। तब फिर? तो कहते देखता था कैसे बनाते हैं, आज उस प्रकार का परिस्थिति आया इसलिए बना दिया। देखता था केवल। प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि ये एक बहुत सिंसियर व्यक्ति के लक्षण, सब कुछ कहने पर पूछ करके करता नहीं, बहुत कुछ देख करके अपने आप से उस वस्तु को ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को महाप्रभु ने आदेश तो किया, जो 4 आदेश वाली बात, और जो कृष्ण को वृंदावन से बाहर लेना नहीं, किंतु उनके उपदेश के साथ ही साथ में महाप्रभु ने उनको कह दिया इहार विस्तार करियो भावन। आप क्या करना, जो मैंने सब बतलाया है उसके विस्तार की जो भावना वो आप अपनी आप से इसमें निमग्न होकर के करते रहना। और उन्होंने क्या किया, वही कार्य किया। बहुत कुछ ऐसे वाला भी किया जो कि महाप्रभु ने अपने मुख से व्यक्त तक भी नहीं किया था, किंतु हुआ कैसा, संपूर्ण रूप में वैसा जैसा महाप्रभु करते, जैसा होता वैसे वाला ही हुआ जो शिला रूप गोस्वामी जी ने पूर्ण रूप में किया। जैसे प्रभुपाद जी के सेवक ने कृष्ण के विषय ब्रह्मचारी जी को कहा नहीं कि आप क्या करो, यदि मेरे को कभी देरी हो जाए तो इस प्रकार से बनाना, देख लो अच्छी तरह से, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, किंतु इन्होंने अपनी आप से उस प्रकार का जो शिक्षा है वो ग्रहण कर लिया था और बिना कही बिना आदेश के सेवा कार्य को भी करके रख दिया था। उसी प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को जो कहा गया था वो तो था ही था, उससे ऊपर भी, जैसे सब्जी लाना, सब्जी को धोना, सब्जी को अमनिया करना, वहाँ तक तो कहा गया था इसलिए वो कर दिया, किंतु उसके आगे का भी परिस्थिति देख करके कि स्वयं भाव विभोर हो जाते हैं, स्वयं इनकी स्थिति कैसी होती है, मूर्छित हो पड़ते हैं, इसीलिए वो वस्तु किस प्रकार से प्रकटित होगी जिन्होंने अपनी आप से सब वस्तु को अपने ऊपर लेकर के उसको प्रकाशित कर दिया, स्थापित कर दिया। इसको कहते हैं बर्डन ऑफ लव। इन्होंने अपनी आप से, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या करती है, सारी चीज़ें अपनी आप करती रहती है, बच्चा कहता कोई है कि मेरे लिए करो, ये करके रखना, इतना सब कुछ करके रखना, इतना पैसा इकट्ठा करके रखना, कुछ भी तो नहीं बोलता है, किंतु उसके जन्म लेने से पहले से ही सारी तैयारी करनी शुरू कर देती है। तो इसका नाम क्या होता है, बर्डन ऑफ लव।
ये कौन ले सकता है? जिसका जितना अधिक संबंध प्रगाढ़ होता है वो उतना अधिक बर्डन ऑफ लव ले पाता है। इसलिए तत्तानुरूपे अर्थात जिस प्रकार से एक व्यक्ति स्वयं सब कुछ करता है, पूर्ण रूप में उसका जो वही का वही वस्तु दूसरा व्यक्ति कर देता है बिना किसी वस्तु की प्राप्ति की कामना से, बल्कि उनके प्रेम के कारण, उसको क्या कहते हैं? तत्तानुरूपे, उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं के मन को पसंद होने वाला, उन्हीं को बहुत प्रिय आनंद प्रदान करने वाला, उन्हीं को नित्य करने के लिए, आनंदित होने के लिए एक भावना उनके हृदय में, उनको उन्मादित करने वाला जो भावना, उसको उन्होंने क्या किया? उद्रेक, उसका उत्थापन कर दिया। इसलिए तत्तानुरूपे ऐसे शिला रूप गोस्वामी पाद हैं। आज यहीं पर हम कथा को विश्राम देते हैं, कल इससे आगे और श्रवण करेंगे। नव किशोर प्रभु महामंत्र करो। नव किशोर प्रभु दो मिनट महामंत्र। अभी खोलेंगे, आप प्रारंभ करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम
प्रदाता श्री राजगोर महाराज की जय, श्री गंगा देवी महारानी की जय, श्री रघुदेव की जय, समस्त रूपानंद वर्गों की जय, सपाश श्री गौर हरी की जय, सपाश श्री राधा माधव गुरु की जय, गौर कृपा।